ये मेरे साथ मौजूद है शरीर और माशाल्लाह से आज मैं इसको बंद करने वाला हूँ ड्रम के अंदर। तो बाहर भाग गया मैं, तो बाहर भाग गया। भागो अंदर 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 बेटा, इसने तो नचा के रख दिया। अबे भैया मैं मौजूद हूँ यहाँ पे गोधरा के पास। आप लोग जरा यहाँ का एरिया वेरिया चेक कर लें और पीछे जरा चेक कर लें कितनी सारी टंकियाँ मौजूद हैं। इतने सारे जितने भी रहेंगे ना ये सब हमने इस पे लगा के चेक कर लिए, मगर कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, मगर कोई भी इसके लिहाज से फिट नहीं हो रहा। वो वाले जो ड्रम थे ना उसको तो मैंने अभी उसी की शॉप पे अभी रखा है, और अभी फिलहाल आपका भाई कुछ खाने पीने के लिए आ गया। ये देखो ये पूरी आ चुकी है, इसके साथ ही हलवा वगैरह सारी चीजें मौजूद है, और ये भाई यहाँ पूरी का आप जरा देखो साइज। भाई ये पूरी की बोड़म फाड़ी हम लोगों ने कर दी है। भाई आपका भाई यहाँ पर फुल अपना पेट भर के बैठा हुआ है, और अब यार ये सामने मतलब पठान भाई मौजूद है, इनसे हमें मंगानी चाय। अब शॉर्ट चलेगा मतलब चाय जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग के? ठीक ठाक खैर खैरियत से? यार ये मेरे साथ मौजूद है शरीर और माशाल्लाह से आज मैं इसको बंद करने वाला हूँ ड्रम के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारा सीन क्या है कि आज मैं लेके आऊंगा अपने बकरों के लिए चारे का ड्रम, क्योंकि यार मतलब ड्रम के अंदर ही चारा हम लोग रखते हैं, और बेसिकली मैंने अभी रखा हुआ था चारा बोरियों के अंदर, तो सरी साहब उसमें लग गए कीड़े, तो मतलब चारा हमारा 4,000 रुपए का जाया हो रहा है। तो इसके लिए हम लेके आएंगे गत्ते का ड्रम, उसके लिए हम जाएंगे सिंधी होटल। आज के इस ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये सरी साहब ने बोल दिया कि यूट्यूब पे जाके यासर अली ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद हम इन लोगों को सबको दिखाते हैं भाई कि कितने उसमें कीड़े लगे हुए। तो अभी मैं चलता हूँ ऊपर सीधा बकरों के पास, जरा उनसे मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उसके बाद आपको जरा दिखा देंगे मतलब कितने उसमें कीड़े लगे हुए, और उसके बाद फिर हम लेके आएंगे ड्रम। तो सही है शरीर, अब आप बैठे यहाँ पे नीचे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। ये है शरीर साहब, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। सही है, आ जाओ आ जाओ, पहले हम चलते हैं ऊपर अपने बकरों के पास। ये हम आ चुके हैं ऊपर, और अभी हम मौजूद हैं इन बकरों के सामने। तो मतलब ये बकरों का घर है, तो आप लोगों को पहले से बहुत कुछ पता है। और ये तीनों बकरे यार यहाँ पे राज कर रहे हैं, बच्चा अभी तक कुछ मडाई के चक्कर में लगा हुआ है। और ये देखो ये आ गई बकरी जो कि अपने खाने के ड्रम के ऊपर खड़ी हुई है, और वो एक और बच्चा, तो अभी मैं घुसने वाला हूँ अंदर, आप लोगों को दिखाता हूँ बकरे बकरी के साथ कितना मजा आता है। चलो गाइस, ये आपका भाई आ गया अंदर, आजा मेरा भाई। उए उए भागा भागा भागा, ये भागा ये भागा ये भागा ये आ गया। तो ये हमारा पारू सा गुंडा है, ये पारा बकरा, और ये दूसरा वाला बकरा, ये कहाँ भाग रहा है वे फंटर बच्चे, वे 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 भागो भागो। उई अभी तो बाहर भाग गया मैं, तो बाहर भाग गया। भागो अंदर 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 बेटा, अंदर 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 सीधा अंदर सीधा ये अंदर। अबे भाई इसने तो नचा के रख दिया। अबे भैया 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 भैया, ये बोलना मुझे मत छेड़ो, वो ये बाहर नहीं निकलना, दोबारा बाहर निकलने का नहीं हो रहा। सही है, सबसे पहले इन लोगों से मेरी थोड़ा सा वो हो गई, दिखाता हूँ आपको अंदर जाके इनका खाने का मतलब कहाँ पे रखते हो। खाना रखा है, वो रखा है इस घर के अंदर, इस गेट के अंदर। तो यहाँ से हम इंटर मारते हैं, एंट्री मारने के बाद यार देखो ये यहाँ पे पूरी बोरियां और यहाँ रखी हुई है खाने की, इसके अंदर इनका ये है। और देखो यार ये रहे कीड़े, ये नजर आ रहे हैं इसी तरीके से, इसके अंदर तुम लोग को शायद नजर ना आए मगर इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, ये अभी नया है माशाल्लाह से, इसके अंदर भी थोड़े से हैं, थोड़े से हैं, मगर यार ये सारा जो इनका खाने का माल मटेरियल है ये हम लोगों ने ऐसे ही रखा हुआ है बोरों के अंदर, हमें इसको ड्रम के अंदर रखना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल इसको ड्रम के अंदर रखेंगे, मगर उससे पहले हम लेके आएंगे ड्रम। तुम लोग परेशान ना हो, इनका ड्रम आने वाला है, दुआ करो कोई अच्छा सा ड्रम मुझे मिल जाए कि जिनके अंदर मैं इनका सारा चारा वारा रख दूं। और ये तीनों जो फंटर यहाँ पे खड़े हुए हैं इनके लिए फिर बेहतरीन चारे का इंतजाम हो जाए। तो रहे हमारे साथ, और आपका भाई निकलने वाला है घर से और जा रहा है अभी सिंधी होटल। सबसे पहले पहुंचा था सिंधी होटल, वहां से यार मुझे ये कुछ भी नहीं मिला, तकरीबन 1 घंटा मैंने मतलब ख्वार हुआ घर से निकला और वहां तक पहुंचा। उसके बाद यार अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे गोधरा के पास। आप लोग जरा यहाँ का एरिया वेरिया चेक कर लें और पीछे जरा चेक कर लें कितनी सारी टंकियां मौजूद है, और आपका भाई भी यहाँ पे टंकियों के बीच में खड़ा हुआ ब्लॉग बना रहा है। और अभी हम चेक करेंगे यार यहाँ पे शायद हमें कुछ इस तरीके के कुछ चीजें मिल जाए, तो आ जाओ मेरे साथ जरा, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या माल मिलता है। ये देखो ये टंकियों वंकियों में से होता हुआ आपका भाई पहुंचा यहाँ तक, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का माल अवेलेबल है, ये भी है ये भी है ये भी है, इतनी सारी चीजें
है, और मसला आ रहा है इसके अंदर। मतलब ये जो रिंग है ना, ये हर एक पे फिट नहीं हो रहा। अब जैसे कि ये वाला रिंग है, ये वाला अगर मैं इस पर रखूंगा तो यार ये छोटा आ रहा है। इसी तरीके से कुछ रिंग और भी है, वो मतलब बड़े हैं। तो ये एक मुझे डब्बा समझ में आया, इसका रिंग भी अवेलेबल है। बाकी यार ये चीज़ है, और ये वाले थोड़े से महंगे डब्बे हैं। ये 700 रुपये का मुझे दे रहा है, बाकी ये 400-400 रुपये के। तो मुझे लगा मेरे लिए ये काफ़ी है, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब देखो ये काफ़ी सारे रिंग आ गए, हम चेक करते हैं, शायद अगर ये वाले डब्बे पे ये चल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यार देखो अभी तक वो बंदा ढूंढने उड़ने गया हुआ माल मटेरियल, हो सकता है उसको कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए। मैं तब तक आपको थोड़ा सा अंदर गोदाम दिखाता हूँ। हालांकि इनकी दुकान इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आसपास है, बट जो चीज़ हमें मतलब कि यहाँ से मिल रही है वो हम दिखा रहे हैं। मतलब आप चेक करो, इतनी सारे यहाँ पर ड्रम व्रम पतनी अंड का शंड क्या क्या मौजूद है, बट आपके भाई को तो कुछ इस तरीके का सामान ही चाहिए। बाय द वे अगर हम अंदर आए तो अंदर भी इसने बहुत सारा सामान कुछ तरीके का भर के रखा हुआ है। देखो पतनी क्या मतलब बराबर। तो फिलहाल ये कि अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, शायद कोई रिंग मिल जाए। काफ़ी सारे रिंग हम लोग लेकर आए, शायद इनमें से कोई सा रिंग यहाँ पे अटैच हो जाए, बट देख रहे हैं, ट्राई मारते हैं। ये वाला शायद आ जाए, या ये छोटा है बड़ा है। ये भाई देखो इतने सारे जितने भी रिंग है ना, ये सब हमने इस पे लगा के चेक कर लिए, मगर कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, मगर कोई भी इसके लिहाज से फिट नहीं हो रहा। अभी हम देखते हैं, हमारे पास डब्बे तो इतने ही, हमें 4 खरीदने हैं। अब देखो कितने मिल जाते हैं, कितने सस्ते मिलते हैं। खैर ये कोई भी रिंग नहीं आ रहा है, और भी रिंग ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्या होता है। वाली दुकान तो खैर मैंने छोड़ दी, अभी मैं आया हूँ एक और शॉप पे, और वो शॉप वाला बंदा मुझे बोल रहा है आ जाओ मेरे गोदाम में। तो यार ये मतलब गोदाम है ये पूरा, देखो आप लोग किस तरीके, कितने सारे यहाँ पे मतलब बहुत सारी बाल्टियाँ वाल्टियाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जो चीज़ मुझे चाहिए वो कुछ और ही है। तो फिलहाल अभी आपका भाई यहाँ पे मौजूद है और दिखाने वाला है कि हमें क्या यहाँ से माल मटेरियल चाहिए। तो अभी मैं लेने वाला हूँ यहाँ से 4 डब्बे। माशाल्लाह यहाँ पे इन लोगों के पास डब्बों की मतलब क्वांटिटी मौजूद है। आपके भाई के मोबाइल का कवर है, सिंपल वाला यूज़ करता हूँ। इतने सारे इनके पास ये वाले डब्बे, हमें वहाँ तो मिल भी नहीं रहते, यहाँ पे देखो इतने सारे मिल गए, और इनके पास माशाल्लाह से गोदाम में बहुत सारा माल है। तो आ जाओ यार इनके साथ जरा दिखाते हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सारे डब्बे वब्बे पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ मतलब इतना बड़ा गोदाम है तो फर्स्ट टाइम देखा, और यहाँ पे इतना सारा माल मौजूद है, और इनके रेट भी बहुत मुनासिब है। आप लोगों को कभी आना हो यहाँ से, टंकियाँ होंगी, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं आप लोग लें। इन लोगों ने हमें मतलब मुनासिब रेट में दिए हैं, और 250 रुपये का एक डब्बे के हिसाब से हमें 4 डब्बे दिए 1000 रुपये के। तो अभी आपको भाई वो 4 डब्बे लेके जरा पहुंचता है इनकी शॉप पे, अभी अभी तो मैं गोदाम में, फिर यहाँ से निकल के शॉप पे आते हैं, फिर शॉप से उसको उठा के फिर देखते हैं किस तरीके से हमें घर। गोदाम से मैं अभी निकल चुका हूँ, ये असल में इनकी शॉप है जिसके पीछे वो पूरा गोदाम था। तो भाई ये शॉप पे मौजूद है, और ये 4 डब्बे हम लोगों ने निकलवाए यहाँ से, और इन 4 डब्बों को आपका भाई लेके जाने वाला है घर। समझ में ये नहीं आ रहा कि बाइक में इन 4 डब्बों को कैसे रखें, बट देखते हैं। मतलब इनकी दुकान आप देखो कितनी बड़ी, माशाल्लाह पीछे गोदाम तो आपने देख ही लिया। अब ये 4 डब्बों को किसी तरीके से मुझे लेके जाना बाइक पे, क्योंकि फिलहाल मेरे पास अभी सिर्फ बाइक अवेलेबल है और कुछ भी नहीं है। सर वो वाले जो ड्रम थे ना, उसको तो मैंने अभी उसी की शॉप पे अभी रखा है, और अभी फिलहाल आपका भाई कुछ खाने पीने के लिए आ गया है। क्योंकि यार ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी अब तक कि भाई जितने भी ब्लॉग अभी तक बनाए, जब भी आपको भाई कोई ना कोई काम से गया तो मतलब हमेशा वहाँ पर कुछ ना कोई चीज़ खाई भी जरूर है। तो अभी फिलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मतलब खाऊँ पीऊँ, तो अभी फिलहाल मेरे सामने मौजूद है पूरी वाला। हालांकि इस वक्त बज रहे तकरीबन 6:20 हो रहे हैं, और आपके भाई के सामने इस वक्त मौजूद है पूरी वाला। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यार इसकी पूरी कितने मजेदार मुझे मालूम हो रही है, और जाके अभी मैं बैठूंगा अंदर और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा सब कुछ। तो आ जाओ मेरे साथ जरा पूरी वाले की दुकान पे। ये है पूरी वाले अंकल, और ये उनकी माशाल्लाह से पूरियां बन रही हैं, और इनकी पूरियां माशाल्लाह से बहुत VIP मुझे लग रही हैं। इनसे मैंने 3 पूरियां ली हैं, अभी मैं सामने बैठ रहा हूँ इधर यहाँ पे शॉप में जाके, और उसके बाद ये तीनों पूरियां खाते हैं, फिर आप लोगों को रिव्यू देते हैं क्या। यार गाइस ये देखो ये पूरी वाले अंकल पूरी बना रहे हैं, और आपका भाई अभी मौजूद है इस होटल के अंदर, और अभी मैं बैठ के यहाँ पर वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का यार पूरी आ जाए, उसके बाद फिर इससे यार चाय भी मंगाते हैं। तो भाई ये देखो ये पूरी आ चुकी है, इसके साथ ही हलवा वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, और ये भाई यहाँ पूरी का आप जरा देखो साइज, मतलब मेरे हाथ क्या साइज से आप जरा चेक करो पूरी कितनी बड़ी है। मतलब आप मेरा हाथ देखो और पूरी देखो, पूरी फूली भी कितनी है, मतलब मुझे तो खुद हैरत हो रही है इतनी प्यारी पूरी मुझे मिली, मतलब सोच की बात है। तो अभी मैं इसको खाने वाला हूँ, आपको बताता हूँ कैसा है। भाई करते हैं इस पे फिर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान, ओहो क्या धुआं निकल रहा है, हाय 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 हाय, ये ये ये। और सबसे पहले आपका भाई लगाते हैं हलवे के अंदर, और ये और उसके बाद चले मेरा भाई सही है। बिस्मिल्लाह 80 रुपये में इतनी अच्छी पूरी मेरे तक नहीं मिलेगी, मुझे अलग से कितने आज पूरी वाले का रिव्यू करना पड़ेगा भाई। शाम के वक्त आप पूरी चला रहे हो, ये कौन नहीं वाला खाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अब खाते हैं अच्छा छोले से, बस छोले भी बड़े आ रहे हैं हमारे। हाँ 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 हाँ, ये ये एक छोला गिर गया, भाई ये पूरी की फोड़म फाड़ी हम लोगों ने कर दी है, और भाई आपका भाई यहाँ पर खुद अपना पेट भर के बैठा हुआ है, और अब यार ये सामने मतलब पठान भाई मौजूद है, इनसे हमें मंगानी है चाय, तो अब शॉर्ट चलेगा मतलब चाय।
भाई ये आ चुकी है चैनक, बोली थी मैंने तीन पत्नी कट बोली थी, क्या हुई थी मैंने पछतो में बोला था। खैर ये कि ये चैनक आ चुकी है और ये हमारे पास तीन कप बन रहा है और अभी आपका भाई ये चाय पीने वाला है। यार हम पीने वाले चाय बहुत आना भाई ने माशाल्लाह से हलवा पूरी भी खा ली है और इसके बाद फिर चाय भी पी आपने सब देखा। ये यार आपके भाई की बाइक खड़ी हुई और ये चाबी है, बाइक निकालता हूँ मैं लेके जाता हूँ इस बाइक को वहां तक जहाँ पर मेरे पास चारों डब्बे रखे हैं। फिर कुछ देखते हैं यार डब्बों को लेके कैसे जाना है, दिमाग तो पर इतना चला नहीं कि मैं कुछ ज्यादा दिमाग में मेरे कोई आइडिया आ जाए कैसे लेके आएंगे, बट कुछ ना कुछ ट्राई करता है। मौजूद हूँ दुकान के बिल्कुल सामने और फिलहाल मेरे दिमाग में एक ही मतलब तस्वीर आई है यार, यहाँ से रोड से जितने भी चिंजी विंजी गुजर रहे हैं उसमें अब्बू को बिठा के मतलब भेज दूँ। तो वो तस्वीर ने काम किया, 120 रुपए का सिर्फ खर्चा हुआ, चिंजी में अब्बू बैठे, दो डब्बे अब्बू के पास रखवा दिए, दो डब्बे मेरे पास मौजूद है और अम्मी मेरे साथ है, पीछे अम्मी बैठेंगी वो दोनों डब्बे अम्मी पकड़ लेंगी और उसके बाद हम जाते हैं फिर अपने घर और फिर मिलते हैं घर पे। सही है, तो आ जाओ मेरे साथ, ये तस्वीर बड़ी अच्छी थी, 120 रुपए में सारा काम हो गया, आ जाओ। A few moments later. लोग पहुंच चुके अपने घर और भाई ये चारों डब्बे आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, इन चारों डब्बों को उठा के मुझे लेके जाना है ऊपर। तो अभी आपका भाई जाने वाला है ऊपर इन चारों डब्बों को लेकर और उसके बाद फिर हम इसे रखते हैं बकरे के घर के पास जहाँ पे बकरे का चारा रखा हुआ है। आ चुका हूँ बकरे के घर के अंदर के बिल्कुल बाहर, मतलब ये की बकरे का घर बराबर में और मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे इन चारों डब्बों को मैंने रख दिया और ये हमारे पास है बकरे का खाना, कुछ चीजें कम है कुछ ज्यादा है, बट ये कि सुबह मैं ये सारा जो खाना है इसको उठा के इसके अंदर डाल दूंगा। और अभी आपका भाई बिल्कुल फ्री है, आप लोगों से इजाजत चाहता है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल यासिर अली व्लॉग को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और इस तरीके से मजीद नए नए व्लॉग को एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।